sao? असम का ज्यादातर इलाका इन दिनों बाढ़ से हलकान है। कई जिलों में हर तरफ अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ पानी। घर, मकान, खेत, सड़कें, सब कुछ पानी की चपेट में है। शहर का कोई इलाका बाढ़ से अछूता नहीं रहा। क्या आम इलाके और क्या वीआईपी इलाके, सब बाढ़ की चपेट में है। देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के घर में भी पानी भर गया। उनकी मां को राहत बलों ने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। बारिश के साथ भूस्खलन ने दिक्कत को दोहरा कर दिया है। गुवाहाटी के काहिली पारा में एनडीआरएफ ने लैंडस्लाइड के बाद कुछ लोगों को बचाया। हालांकि यहां एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। यहाँ के 183 में से 70 कैंप पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। राजस्थान में यूं तो बारिश कम होती है, लेकिन शुक्रवार को जैसे बादल राजस्थान के कुछ शहरों पर मेहरबान थे, ऐसे मेहरबान जैसे महीनों नहीं सालों की कसर एक ही बार में पूरी कर देना चाह रही हूँ। ये तस्वीरें सीकर के फतेहपुर शहर की हैं। शहर के बीच कितना पानी भर गया इसका अंदाजा इस एसयूवी से लगाइए। ये इस तेज रफ्तार पानी को पार करने की कोशिश में है और इसकी हेडलाइट तक पानी में डूबी है। और ये दूसरी एसयूवी ऐसी दिख रही है जैसे नदी में नाव चल रही हो। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पानी का बहाव इतना तेज है जैसे बीच शहर नदी तेज बह रही हो। पानी के तेज बहाव में इस शख्स के लिए अपनी बाइक को पकड़ कर रखना तक मुश्किल हो गया। देखो